नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करेंगे कक्षा सातवीं का जो जंतुशाला पाठ है उसका अभ्यास। तो उनके शब्दार्थ हमने पहले देख भी लिए थे, लेकिन एक बार फिर भी देख लेते हैं। वृक्षत है, तुम दोनों देखोगे, यानी वी सी। तत्र माने वहाँ, श्रांतो दो थके हुए टायर्ड, अधुना माने अब यानी नाउ, मिष्ठानी मिठाइयाँ यानी स्वीट्स, और शीतल पेय यानी शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक्स, और तत्व इसके पश्चात। सिंह शेर, भल्लू के भल्लू यानी बियर, और हरिण हिरण डियर, गजा हाथी यानी अनेक हाथी एलिफेंट्स, गंडका गेंडे, और मकरा मगरमच्छ अनेक मगरमच्छ, व्याघ्रा अनेक बाघ, शस्कान शस्कान होते हैं खरगोशों को, और सर्पा अनेक सांप, अजगरा अनेक अजगर। तो आइए करते हैं हम। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है बेटा, इसमें है ना उचित विकल्पे चिन्ह पारदर्शीयता है, यानी उचित विकल्प पे आपने सही का चिन्ह लगाना है, और जो गलत है उस पर कोई चिन्ह नहीं, यानी कि केवल उचित का ही चिन्ह आपको लगाना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला है जंतुशालायाम युवाम किम किम दृक् युवाम किम किम। तो देखिए, दृक्षत है, इसमें तीन ऑप्शन हैं। दृक्षत है मैंने होता है देखना, पठ तो होता है पढ़ना, गस्त होता है चलना। तो इसमें दृक्षत आएगा, जैसे कि मैंने भर रखा है, या चाहे आप जो दृक्षत है नंबर एक पे निशान लगा सकते हैं, भर भी सकते हैं। आवाम जंतुशाला, तो इसमें जंतुशाला पे आपको निशान लगाना है, जो पहला ही ऑप्शन है ये भी। तत किम चलिष्यावह, ये भी पहला ही ठीक है इसका, इस पे आप निशान लगा सकते हैं, चाहे तो आप निशान लगा सकते हैं ऐसे, और साथ में आप भर भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला है भाई तालिका पूर्यत है, तालिका की पूर्ति करनी है, जैसे पुरुष दे रखा है एक वचन और द्विवचन, ये धातु का पहला रूप दे रखा है, मान लो पठती पठिष्यति और पठिष्यत है, ठीक है, पहला नहीं है, मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है। तो अब इसको हम देखे करेंगे, मध्यम में खादिष्यति ही और खादिष्यत है, उत्तम में आएगा खादिष्यामि खादिष्याव खादिष्याम है, और प्रथम पुरुष आएगा लिख धातु का ले लेखिष्यति लेखिष्यत है। तो भर दिया ये मैंने इसमें, आप देख लेंगे। मध्यम पुरुष दृक्ष्यसि दृक्ष्यत है दृक्ष्यत है, छोटा कर देता हूँ थोड़ा, और उत्तम पुरुष जैसे गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्याम है। अभी आपको भर लेना है, वैसे अपन धातुएं सीखेंगे, आपको सिखाएंगे एक एक चीज़, चिंता मत करो। अगला है अधोलिखित सारणी सार्थक वाक्यानि रचयत है, यानी कि सही वाक्यों का निर्माण करना है, तो सही वाक्यों का, जैसे अजातृणम चरति ही, वयम पाठम पठिष्याव है। देखिए ये मैंने इसमें भर दिया है, वयम शिक्षिका शिक्षिकाम पठिष्याव है, बालकौ चित्रम रचयाम है, आवाम पुस्तकम पठिष्याव है, त्वम कथाम कथिष्यसि ही, और राम लेखम लेखिष्यति ही। तो इसके ये आप भर लेंगे इस तरह से देख के। अगला जो प्रश्न है भाई,
अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कृत है कि अधोलिखित वाक्यानाम जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं इनको हमने संस्कृत में लिखना है। तो जैसे हम दोनों, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, अध्य माने आज, फिल्म चलचित्रम दृश्यमय देखेंगे, तो हम दोनों फिल्म देखेंगे, आवाम अध्य चलचित्रम दृश्यमय। इसी तरह से अगला आ जाएगा तुम सब क्या करोगे, तो यूयम अध्य किम करोसी, अध्यापक कल संस्कृत पढ़ाएंगे, अध्यापक स्व संस्कृतम पठिष्यामि, पठ्याव पठ्याम, तो सबको पढ़ाएंगे तो पठिष्याम। अगला है राम और मोहन आज मेला देखने जाएंगे, राम मोहन च अध्य मेलकम दृक्षार्थम गमिष्यतः, देख लीजिए आराम से दिख जाएगा, भर लेंगे देख के। अगला है आज मेरे पिताजी दिल्ली जाएंगे, अध्य मम पितु दिल्ली नगर गमिष्यतः। अगला प्रश्न है बेटा अधोलिखित वाक्यानाम हिंदी भाषा में अनुवादम कृत है, भाई नीचे लिखे वाक्यों का देखो, पहले वाले में संस्कृत में करना था, इसमें हिंदी में करना है। अनुज महाराष्ट्रम गमिष्यति, तो अनुज महाराष्ट्र जाएगा। तुम दुग्धम पास्यसी, तुम दूध पियोगे, इदानीम आवाम जंतुशालाम गमिष्याव, अब हम सब चिड़ियाघर जाएंगे। शीतल पे नीचे प्या पास्या वह ठंडे पे पियेंगे, अधुना आवाम मिष्टानी खादिस्या वह, अधुना बेटा अब हम मिठाई खाएंगे, शाबाश। इस तरह से लिखते चलिए आप आराम से, रोक रोक के लिख ले यदि कुछ छूट जाता है तो। आगे देखिए बेटा ये आपको क्या करना है, वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, भाई एक वचन का भरना है, द्विवचन का भरना है या बहुवचन का। जैसे एक उदाहरण दे रखा है कविता कविते है कविता, तो पुस्तकम पुस्तके है पुस्तकी पुस्तिका, मयूरम मयूरे मयूरान, कृषक कृषके कृषकान, तृणम तृणे तृणानी, पदम पदे पदानी। तो इस तरह से आप भर देंगे इसको, ये आपका छोटा सा अभ्यास है। विद्यार्थियों हम लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट लेसन, तब तक के लिए आप इसको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट तरीके से भर भी लें, याद भी कर लें, कॉपी में राइट भी डाउन भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत विद्यार्थियों।